नमस्कार, तूफान टीवी न्यूज के इस ऑडियो बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। बाल अधिकार दिवस पर दिव्यांग बच्चों को गर्म वस्त्र वितरित किए। सहकारिता से कल्याण के संदेश से सप्ताह का समापन। कुंडलपुर कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव 22 नवंबर को। सुश्री धामेश्वरी देवी के आध्यात्मिक प्रवचन 24 नवंबर तक। और हटा रोड पर कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। अब समाचार विस्तार से। लायनेस क्लब की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर मूकबधिर विद्यालय तहसील मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर इन बच्चों के लिए क्लब की ओर से लाए गए गर्म कपड़ों एवं स्वल्पाहार का वितरण किया गया। साथ ही इन बच्चों की मन की बात जानते हुए उनकी आवश्यकता को पूरा करने का संकल्प दिया गया। वहीं बच्चों से दुआ करते हुए कुशल क्षेम पूछी गई। क्लब के सदस्यों ने लंबा समय इन बच्चों के बीच बिताते हुए हमेशा ही इस प्रकार से इस विद्यालय में आने की बात कही। आयोजन के बारे में लायनेस क्लब की पदाधिकारियों ने अपनी बात बच्चों के बीच रखी। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत जिले भर से किए गए आयोजनों के बाद रविवार को समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सिंह, जिला सहकारी बैंक के प्रतिनिधि के साथ अन्य लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अतिथियों ने बेटी बचाओ का संदेश देते हुए इस दिशा में शासन की ओर से किए जा रहे कार्यों को लेकर जानकारी दी। समापन समारोह के दौरान सहकारिता से जुड़े कर्मचारियों, प्रतिनिधियों सहित शहर के लोगों की मौजूदगी रही। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर कमेटी के अध्यक्ष पद की चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है। 22 नवंबर को होने वाले अध्यक्ष के चुनाव में डटे 3 प्रत्याशी मतदाताओं से जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। 22 वर्षों से कुंडलपुर कमेटी के अध्यक्ष पद पर काबिज संतोष सिंघई के अलावा दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष सुधीर सिंघई एवं नन्हे जैन मंदिर कमेटी के अध्यक्ष गिरीश नायक चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। कुंडलपुर क्षेत्र में 900 से अधिक सदस्य मंगलवार को मतदान के जरिए नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। रविवार को संतोष सिंघई तथा गिरीश नायक ने शहरी वोटरों से संपर्क किया। वहीं सुधीर सिंघई ग्रामीण अंचलों में संपर्क करने में सक्रिय बने रहे। परम पूज्य श्री कृपालुजी महाराज की शिष्या सुश्री धामेश्वरी देवी के 7 दिवसीय प्रवचनों का आयोजन किया जा रहा है। बुधव मंदिर स्थित तुलसी महाराज भवन घंटाघर पर शाम से देर तक प्रवचनों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति कथा के मर्म को समझने के लिए लालायित नजर आ रही है। कथा के अवसर पर रविवार को भी साध्वी जी ने भगवान के स्वरूपों का वर्णन करते हुए कथा को विस्तार से बताया। साथ ही राधा गोविंद सत्संग सेवा समिति की आयोजन में आए भक्तों को सही भक्त वत्सल बताया। आयोजन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। 2 सड़क हादसों में 4 लोगों के घायल हो जाने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहला घटनाक्रम देहात थाना के आगे हटामार का है, जहां बाइक सवार 2 लोगों को एक कार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। घायल मुन्ना प्रजापति एवं कंशिदी के बाद में जिला अस्पताल उनको भिजवाया गया। दूसरे हादसे में दसौदी निवासी हरीश प्रसाद अपनी पत्नी छोटी बहू के साथ दमो अस्पताल आ रहे थे। रास्ते में हाथी के पास एक बस की टक्कर से दोनों घायल हो गए। इनको 108 की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां भर्ती करके दोनों का इलाज किया जा रहा है। आग में जल जाने के बाद एक वृद्ध को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार देहा थाना अंतर्गत आने वाले बहेरा निवासी गन्नू अहरवाल जब अपने खेत पर आग जलाकर तापने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान सुबह से आए हवा के झोंके के कारण चावल के प्यार में आग लग गई, जिसको बुझाने के लिए वृद्ध ने प्रयास किया, जिससे वह पूरे शरीर में झुलस गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। अगले ऑडियो बुलेटिन में आपसे फिर मिलते हैं। आप देखते रहिए तूफान TV News.com। नमस्कार।